शताब्दी तक के, यह क्रांति की भूमि मानी जाती है। तो कल जो आंदोलन किया गया यमायम की ओर से, तो इसमें जो है आपके यमायम के कार्यकर्ता का एक का खून बह चुका है, तो क्या कहेंगे आप आवाम से? और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो चला गया है, तो इसको वापस दिलवाने के लिए अगला कदम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे अहम बात यह है कि हमारे एमपी सैयद इम्तियाज़ जलील साहब ने यूनिवर्सिटी के जाने का जो एहतजाज का मामला उठाया है, शायद किसी के जहन में नहीं था। ये न यहाँ के एमएलए या एमपी और दूसरे कोई साबिक एमपी और सियासी कायदीन में कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आता जिसको इसका गम था कि भाई अफसोस हो रहा है कि भाई ये कैसा क्या हो गया है। इम्तियाज़ जलील साहब ने इसको सीरियस लिया और एक आंदोलन की शक्ल दे दी उसको, और वो आंदोलन एमआईएम का बहुत कामयाब रहा। यानी किसी मिनिस्टर के और 15 अगस्त के मौके पर आने के बाद इतनी डेयरिंग और डेशिंग किसी ने दिखाना, ये एमआईएम पार्टी है मजलिस का ही यानी जो है एक रूल है समझ आइए, और कायदे कानून में रहते हुए ये सब पूरा अमन अंदाज में काले झंडे बताकर मुजाहरा कर रहे थे। ये आंदोलन था लेकिन थोड़ा सा यानी जो है पुलिस की ज़्यादती हुई और हमारे नदीम भाई जो है जो उनका खून बहा है, हम ये एक सुर्खी देना चाहते हैं कि एमआईएम के कार्यकर्ता, एमआईएम के खादिम, एमआईएम की से एक जज्बा और निस्बत रखने वाले कार्यकर्ता ने जो उसका खून बहा है, वो खून यकीनन तारीख में सुर्खियों में लिखा जाएगा कि खून रंग लाएगा। इस एतबार से जो है हम मुबारकबादी देते हैं नदीम भाई को, और आप लोगों ने जो अभी इस्तकबाल किया उनका और उनके हौसला अफजाई की है, इसका मैं तमाम नौजवानों का शुक्रिया भी अदा करता हूं। और एमआईएम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र होने के एतबार से मैं इनकी आदत के लिए भी आया हूं और इनको हौसला अफजाई के लिए आया हूं। और कोई भी हमारा कार्यकर्ता किसी किस्म की छोटी या बड़ी कुर्बानी देता है तो वो कुर्बानी लिखी जाती है, हमारे बड़ों को महसूस होती है, चाहे वो डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी हो या इम्तियाज़ जलील साहब हो या असदुद्दीन अवैसी साहब हो या अकबर अवैसी साहब हो। यकीनन जो है हैदराबाद तक के ये बात पहुंची है और इनकी खैर खैरियत पूछने वालों में हमारे दोस्त जो है मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव के एमएलए, उन्होंने भी और सभी लोगों ने हमसे भी पूछा है और इनकी यानी गोया हौसला अफजाई की है। क्या भविष्य में आने वाले इसमें ख्याल रखा जाएगा? यकीनन जो है ऐसे कुर्बानी देने वाले का ख्याल रखा जाना चाहिए और ख्याल रखा जाएगा। दूसरी बात यह है कि हमारे पास कार्यकर्ताओं में एक से एक टैलेंट है हर एक आदमी का, और बहुत खूबियां हैं, बहुत यानी लगन के साथ काम करते हैं। अब आप देखिए कि 15 अगस्त पर मेडिकल जो है कैंप लेना, ये कोई आसान बात नहीं है। हज़ारों की तादाद में लोग जो है गरीबों को फ़ायदा पहुँचा, आप खुद वहाँ मौजूद थे, यानी जो है प्रेस के लोगों ने उसको जो जिस अंदाज से पेश किया, मैं प्रेस के लोगों की भी और आप लोगों की जो है शुक्रिया अदा करता हूं कि ये काम करने वाली जमात है मजलिस, और मजलिस ने आने के बाद सियासत को एक नया रुख दिया हुआ है, सियासत में एक नया इनकलाब पैदा किया है। ऐसी दूसरी पार्टियां जो है अपने तौर पर करती है, आज तक के देखिए आप कि कोई ऐसा मुजाहरा आंदोलन शायद किसी पार्टी ने औरंगाबाद के अंदर किया होगा। नदीम भाई, आपकी कुर्बानियों की चर्चा पूरी मीडिया में है, पूरी टीवी चैनलों पे है, यमायम के कार्यकर्ताओं में है और पूरे शहर और मराठवाड़ा महाराष्ट्र में आपकी चर्चा है, कि ये जज्बा आपको कहाँ से आया जो आप सीधे गाड़ी के सामने कूद गए, आपने जान की परवाह न की? तो क्या जज्बा है ये? क्या स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आपको हासिल करना है या खासदार इम्तियाज़ जलील का आदेश का आप पालन कर रहे हैं? नहीं देखिए, सबसे पहले तो ये जो जज्बा है, तो मैंने जब सुना कि हमारे एमपी साहब खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने ये आंदोलन छेड़ा, तो मैं उस आंदोलन पर नोटिस किया कि ये क्या है। उसके अंदर मैं देखा कि ये सेकुलर आंदोलन है, यानी कि 135 एकड़ के ऊपर एक डेवलपमेंट इतना बड़ा औरंगाबाद शहर में होना जा रहा था, और ये जो 30 साल से शिवसेना का गढ़ बोलता है ये हमारा है, और उन्हीं लोग ने, शिवसेना राष्ट्रवादी के लोगों ने इस चीज़ को उधर कर दिया। तो वो जज्बा मैं इम्तियाज़ जलील साहब को देखते हुए अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया कि हमारे कायदे इम्तियाज़ जलील साहब इतना बड़ा काम कर रहे, तो इसके लिए तन मन धन जो अपने को करना पड़े हम उनके साथ खड़े रहेंगे। बस मैं हमारे साहब की जज्बे देखते हुए ये कदम उठाया।